हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे एक्सेल में गेटेड फंक्शन के बारे में, कि अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और उस समय अगर हमको कहीं डेट कैलकुलेशन करना हो तो कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करके हेडिंग दे देते हैं, क्या डेटेड फंक्शन। सेलेक्ट करके इसके साइज को क्या कर लिए, बड़ा। जो हाँ भी करना हो, जो फॉर्मेटिंग जैसे करना चाहते हैं वैसे। हाँ अब इसमें देखिए, सबसे पहले डेट फंक्शन में इतना समझिए कि जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे तो आपको डेट एंड टाइम देना होगा। क्या करना होगा, डेट एंड टाइम देना होगा। तो डेट एंड टाइम कौन सा आएगा, जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही सेव रहेगा। अभी आपके कंप्यूटर में डेट एंड टाइम दिख रहा है ना, तो जो डेट एंड टाइम सेव रहेगा वही डेट एंड टाइम करंट वाला आएगा, बाकी दूसरा कोई डेट एंड टाइम नहीं। आपके कंप्यूटर में यदि गलत डेट एंड टाइम सेव है तो यहाँ पे गलत ही डेट एंड टाइम आए, क्लियर है ना। सर, अब देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज करिए, सबसे पहले हमको लिखना है करंट डेट लेके आना है, इस समय का डेट क्या तारीख है आज, आ रहा समझे ना। उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू टूडे, क्या लिखेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। और देखिए आज क्या तारीख है, 12 तारीख बराबर है 2023, हो जाएगा ना। अगर जो दूसरा कोई डेट लिखना हो तो आपको डेट टाइप करना होगा खुद से, लेकिन कैसे टाइप करेंगे भी समझ लीजिएगा। तो पहले आपका क्या लिखा है, तारीख है, फिर मंथ है, फिर जाके ईयर है ना, इसी फॉर्मेट में लिखना हो। लेकिन कहीं आपने ये कर दिया कि बारहवा महीना, बारहवा महीना 13 तारीख 2000, देखिए कभी भी डेट में नहीं आएगा। और जब ये लगाएंगे ना तो हमेशा ये गलत बताएगा, ये किसी फार्मूला में सपोर्ट नहीं। इसके इसके लिए लिखना कैसे होगा, जैसे फॉर्मेट में दिया है, पहले मंथ दिया, पहले तारीख दिया है, पहले तारीख लिखेंगे 12, या फिर 13 तारीख 12वां महीना 2000। अब देखिए अपने आप आ गया ना, लिखते ही देखिए अभी यहाँ पे लिखे तो ये जनरल में दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट किसमें दिखाई दे रहा है, सर और ये ऑटोमेटिक किस में आ गया है, डेट में। क्यों डेट में आया, क्योंकि समझ चुका कि हम किस में लिखे हैं, डेट। देखिए सबसे पहले हमने क्या दिया, करंट डेट, करंट डेट। करंट डेट के लिए क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हो जाएगा। दूसरा हम लिख दें यहाँ पे, डेट एंड टाइम एक ही मिलाना हो तो डेट एंड टाइम, नहीं। अब ध्यान दें, अब हमको क्या करना है, अब डेट एंड टाइम लेके आना है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले इक्वल, और आप लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे यहाँ पे। देखिए अभी आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, डेट। अब हमको करना क्या होगा, हम डेट एंड टाइम दोनों लेके आना चाहते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट की, कैसे, पहले इसको 1 मिनट रुक जाइए, इसको क्लियर करके फिर दोबारा से लिखते हैं क्या, इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों आया है ना, इसलिए पहले पिछली बार नहीं आया था क्योंकि पहले से बाय डिफॉल्ट डेट में हो चुका था, क्योंकि डेट लिखे थे ना, तो ये सेल किस में चेंज हो चुका था, डेट में। और अगर नहीं आया तो पहले इसको सेलेक्ट करके एक बार क्लियर आल कर, एक बार क्या कर लेंगे, क्लियर आल, दोबारा से फॉर्मूला लगा लेंगे इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इन। देखिए बता रहा है क्या, 12 तारीख 12 महीने 2023, 4:16:26, यानी कितना होगा, 4, क्लियर है ना। अब इसमें हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते, देखिए अगर हम सिर्फ कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन लेंगे तो क्या आएगा, डेट आएगा। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन लेंगे तो क्या आएगा, और क्या कॉलन, सिर्फ कॉलन लाने के लिए शिफ्ट बटन लेना होगा ना, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब सेमी कॉलन दबाएंगे तो सिर्फ टाइम आएगा, तब सिर्फ क्या आएगा। तो नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से क्या आएगा, कंट्रोल
कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, इसे आएगा डेट, क्या आएगा डेट, और कंट्रोल फिर शिफ्ट, हाँ कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल सेमी कॉलन जो यल के बगल वाला होता है, यल के राइट साइड वाला, कंट्रोल के साथ कॉलन करेंगे तो डेट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ वही सेमी कॉलन करेंगे तो फिर क्या आएगा टाइम, तब क्या आएगा टाइम। हो गया, यानी कंट्रोल साथ कॉलन करेंगे सेमी कॉलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डेट, और सिर्फ कॉलन करेंगे तो टाइम। तो कॉलन लाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, शिफ्ट बटन, हो जाएगा कर ले जाएंगे लोग। अब देखिए हमने यहाँ पे दिया था सिर्फ क्या कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, और अगले वाले हमने दिया कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी, हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए ये तो हो गया क्या करने के लिए, डेट एंड टाइम निकालने के लिए। अब हमको करना ये है ना डे निकालना है, क्या निकालना है डे, कि अगर जो आज का हम तारीख लिखे हैं ना तो आज कौन सा दिन है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, क्या लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपको दिखाई देगा वैल्यू, क्या दिखाई देगा वैल्यू, तो वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे किसको डेट कॉमा करेंगे, और फिर हमको टेक्स्ट फॉर्मेट देना होगा डबल इनवर्टेड कॉमा, अब दिख रहा है ना क्या लिखना है, पहले इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू किसको सेलेक्ट करना है डेट, फिर हमको करना है यहाँ से क्या कॉमा, अब कर रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट, बताइए क्या चाहिए आपको, डे चाहिए तो डे लिखेंगे, कौन सा डे है, मंथ चाहिए तो यम लिखेंगे, और यदि ईयर चाहिए तो हम यहाँ पे दे दिए क्या फोर टाइम, इसको डबल इनोटेड कॉमा में लिखे, क्योंकि हम बताए थे खुद से कोई अगर जो टेक्स्ट आए करें किसमें डबल इनोटेड कॉमा, हम यहाँ दे दिए क्या फोर टाइम डबल इनोटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और आज कौन सा डे है, सही है ना। अब अगर जो आपको ये पता करना हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे पता करेंगे, पहले डेट लिख लीजिएगा 15 अगस्त के लिए क्या हो जाएगा 08 1947 हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगा लेंगे इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू को क्या करें डेट को कॉमा करेंगे डबल इनोटेड कॉमा में, हम लिख लेंगे फोर टाइम डी डबल इनोटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और उस दिन देखिए फ्राइडे थे, क्या रहेगा नहीं आएगा, कंप्यूटर पहले से ही फीड है ना उसका फॉर्मेट, देखो हम हटा दिए 3 टाइम, 1 टाइम रख के इंटर कर लो, सिर्फ 15 बता, आया समझे ना। अब हमको करना क्या है, अब हमको जानना है मंथ कौन सा था, सिर्फ 8 लिखा है ना, हाँ कौन सा वाला 1947 वाला, चलो इस बार 26 जनवरी 1950 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 26 जनवरी 1950 लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, क्या लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, अब इस सब को क्या करना है वैल्यू को कर लेना है सेलेक्ट कॉमा, और डबल इनवर्टेड कॉमा लिख देंगे, क्या चाहिए डेट चाहिए, डे चाहिए कौन सा डे था, तो फोर टाइम क्या करेंगे डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और देखिए कौन सा था हो जाएगा। अच्छा पता करना है मंथ कौन सा है इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू को डेट को क्या कर लेंगे कॉमा और डबल कॉमा में फोर टाइम क्या यम डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और जनवरी हो जाएगा, और अगर जो निकालना हो कौन सा ईयर इक्वल टू टेक्स्ट डेट को क्या कर लेंगे कॉमा और डबल कॉमा फोर टाइम डबल कॉमा क्लोज
ब्रैकेट क्लोज और 1950 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब रह गई बात कि किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया गया हो या फिर यही पुराना डेट है, सर। कल बताओ डेट ऑफ बर्थ अपना। 2004 है, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 13/12/2004, यही है ना। अभी आप लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा और डबल एंड कॉमा 4 टाइम, डी डबल एंड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और मंडे, मंडे थाउस हो जाएगा ना। चलो अब हमको पता करना है ना ये डेट ऑफ बर्थ से लेकर के इस समय तक टोटल कितने दिन के हो चुके हैं। हाँ कितने दिन के हो चुके हैं वो ही बताएगा, पहले समझो टोटल कितने दिन के हो ये पता करना है। उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ, क्या लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन। डेटेड इफ लिखने के बाद से आपको दो डेट देना हो, पहला ओल्ड डेट और उसके बाद से करंट डेट, कब से और कब तक। तो पहले हम ओल्ड डेट को सेलेक्ट करेंगे कॉमा, और अब तक जानना है ना, हम करंट डेट यहाँ लेके आए ही हैं सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि नहीं लाए रहेंगे ना तो डायरेक्टली आप लिख लेंगे टूडे, क्या लिख लेंगे ब्रैकेट को कर लेंगे कॉमा, क्या जानना है तो लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ डी, सिर्फ क्या लिखेंगे डी, यानी कि डी दिन जाना है कितने दिन के हुए हैं, डबल इन कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद से 6938 दिन टोटल अच्छा हो जाएगा। बताओ समय नहीं बताएगा उसको क्या पता, सर, नहीं वो नहीं बताएगा, बोल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद से ध्यान दीजिए, अब हमको करना क्या है इसमें, हम ये चाहते हैं ना कि ये निकाल सके कि टोटल कितने मंथ के हो चुके हैं, टोटल मंथ जानना है, उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, फिर करंट पहले ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट है तो ठीक, और नहीं तो क्या लिख लेंगे टू डे ब्रैकेट क्लोज कॉमा, कॉमा करने से क्या करना है डबल इन डॉट कॉमा यम डॉट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अभी तक टोटल 227 मंथ के हो चुके हैं, कम है 227 × 30 करो देखो कितना हो रहा है। चलो यहीं पे कर लो इक्वल टू करो, 227 को सेलेक्ट करो मल्टीप्लाई 30, 6810 हो जाएगा ना। अब ये थोड़ा सा कम बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ऐसा हो जो 31 का मंथ होगा, आ रहा समझ, जो भी होगा आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें। अब हमने ये निकाल लिया अब टोटल कितने साल के हो चुके हैं, उसके लिए सेम वही फॉर्मूला इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ओल्ड डेट को क्या करेंगे कॉमा टूडे, टूडे ब्रैकेट को क्या कर लेंगे अच्छा कॉमा, अब क्या करना है हमको डबल इन डॉट कॉमा वाई दे देना है, डबल इन कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो टोटल 18 साल के हो चुके इसका। अब उसका देखना पड़ेगा 29 फरवरी का, अब निकालना पड़ेगा कितना निकलेगा 29 फरवरी का, वो तो मंथ वाइज ही कैलकुलेट करेगा ना, हर समझे ना, भले से 4 साल में एक बार आता है लेकिन पूरा टोटल लिख जाएगा ना अपना। हाँ ये होगा कि जिसका 29 फरवरी को डेट बर्थडे होगा ना वो 4 साल में एक बार मनाएगा, उसका क्या बर्थडे पार्टी बचेगा है ना, तो हाँ 4 साल में तुम्हारे अंकल जी का है, आगे नहीं करते हैं क्या हो जाएगा ना। हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए,
अभी तो हमने ये निकाला टोटल कितने कितने दिन के हुए हैं, कितने मंथ के हुए हैं और कितने साल के हुए हैं। अब हमको ये निकालना हो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन। जैसे होता है ना कि 10 साल 18 कितना, 10 साल 2 महीना 3 दिन, ये कहीं में सार आ रहा, समझे ना। उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन सेम है, नीचे आ जाइए। नीचे हम सिंपली यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, हम याद दे दिए वही, पहले लिख दे इक्वल टू टूडे, ब्रैकेट को कर लिए क्लोज और टुडे निकल गया, लिख लिए 13/12/2004। अब इस डेट से इस डेट के बीच हमको निकालना है कितने साल कितने महीने कितने दिन का डिफरेंट है। उसके लिए क्या करेंगे, चलिए पहले हम हेडिंग देते हैं, ये हो गया डे के लिए, डे के लिए, और ये हो जाएगा किसके लिए, मंथ के लिए, और ये हो जाएगा ईयर के। और नहीं तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहले ईयर रख लेते हैं, फिर क्या रख लेते हैं मंथ, और बाद में कि अगर जो 10 साल, 10 साल 3 महीने 4 दिन ऐसे निकल के आ जाए। तो फॉर्मूला सेम लगाना है हम, इक्वल टू डेटेड, आप लोग पता होगा ना कि लास्ट में ईडी क्यों जुड़ता है, ईडी लास्ट में ईडी क्यों जुड़ जाता है, पास्ट के लिए ना, जो बीता हुआ आता है उसमें क्या लग जाता है, ईडी लग जाता है। तो हमको पुराना करना है, यदि एक कंडीशन लग गया, यदि कब, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन, कि यदि इस वाले डेट से कॉमा इस वाले डेट में निकालना है क्या, तो कॉमा और डबल कॉमा में वाई कितने साल, 19। टोटल कितने साल, 19। यहाँ पे क्यों इतना आ रहा था जी, तो बारह अच्छा तेरह हाँ हो नहीं जाएगा, यही है ना तुम्हारे नीचे वाला, तो 13 कर देते, 18 से हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, आगे हमको आ जाना है मंथ निकालना है, हम करेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर वही ओल्ड डेट कॉमा करेंट डेट, फिर कॉमा करेंगे और डबल एंड कॉमा। यहाँ पे पता है हमको क्या लिखना है, इक्कीस नहीं हमको YM लिखना है कि ईयर के साथ मंथ जाना मंथ है, नहीं, और तो सिर्फ यम करेंगे ना तो निकल, टोटल मंथ निकल के आएगा, लेकिन YM करेंगे ना तो कितने साल और कितने महीने निकल के आएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे YM डबल एंड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इनकम, तो 18 साल 11 महीना कितना दिन, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा और डबल इनकम। इस बार सिर्फ डी नहीं लिखना है, इस बार मंथ के साथ दिन जानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ एम डी डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और, तो बता रहा है 18 साल 11 महीना 29 दिन, यानी कि कल कंप्लीट हो जाएगा जिसका डेट ऑफ बर्थ है, टोटली 19 साल क्या हो जाएगा। अब अगर जो ये हम क्या कर दें डेट इसी को हटा के सिंपली हम लिख दिए कितना, 13/12/2023। अब देखिए सारा हो जाएगा 00 और ये क्या हो जाएगा 19, यानी कि कल आने वाले डेट टोटली कितने साल का हो जाएगा 19। निकाल ले जाएंगे लोग सभी लोग ना, निकाल लेंगे तो तो लोग कह रहे हो हाँ, हमको लग रहा समझ में आ रहा, बाउंस चलो देख लो सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, सबको डिलीट करते हैं। सूर्य समझ लो एक बार, हमने ये बताया है ना पहले हमको क्या करना है, करंट डेट निकालना है, उसके लिए दो तरीके बताए, पहला इक्वल टू टूडे ब्रैकेट ओपन क्लोज और निकल जाएगा, डेट इन टाइम एक ही निकालना है तो इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, इतना हो जाएगा ना। उसके बाद से हमको यहाँ पे निकालना है शॉर्टकट की के माध्यम से, तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डेट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन करेंगे तो टाइम, हो जाएगा ना।
अब आगे हमको क्या करना है, अब आगे हम ये निकालना चाहते हैं यहाँ पे किसी का क्या है। जैसे सपोज करें हम दो डेट ले रहे हैं, यहाँ पे दिए करंट डेट किसका, तुम्हारा है, करंट डेट, और इसमें दे दे रहे हैं क्या ओल्ड डेट, क्या दे दिए ओल्ड। यानी करंट डेट है और ओल्ड डेट। अब इन दोनों डेट से हमको क्या निकालना है, हम यहाँ पे दे दिए, चलिए यहीं जस्ट नीचे दे दे रहे हैं, तो पहले तो हमको निकालना है डे कितना दिन, फिर निकालना है क्या मंथ कितना मंथ, और फिर निकालना है ईयर कितना ईयर, हो जाएगा ना। तो उसके लिए बताया सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे किसका, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डे जान पहले डेट लिखना होगा ना जी, इक्वल टू टूडे ब्रैकेट क्लोज, और डेट ऑफ बर्थ कितना था जी 13/12/2004, यहाँ पे लिखें इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर किसको पहले ओल्ड डेट, फिर कॉमा करंट डेट, फिर कॉमा और डबल इन कॉमा में क्या लिखना होगा डी डाउन कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और अभी फिलहाल ऐसे आ रहा है, पहले एक बार सेलेक्ट किया, पहले एक बार डेट लिखे थे ना, सेलेक्ट कर पहले क्लियर ऑल कर देंगे और दोबारा से इसमें लिख देंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा डबल कॉमा में डी डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और तो कितना 6,900। फिर आगे हम दे देंगे मंथ इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे क्या डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहले ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा और डबल कॉमा में वाई, वाई नहीं मंथ का है ना, तो यम डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और 227 मंथ, कितना ईयर इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहले ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में वाई डॉट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा। अब ये हमने टोटल अभी क्या निकाला, टोटल मंथ टोटल डे टोटल मंथ और टोटल ईयर, हमको निकालना है साथ में कि कितने साल कितने महीने और कितने दिन। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे पहले ईयर, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डी। अब इसमें क्या करना होगा हमको, सेम वही फार्मूला, कौन सा हम पहले क्या लिखे थे, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहले किसको करंट ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा वाई निकालना, पहले ईयर निकालना पहले सिर्फ क्या हाँ इंट, मंथ निकालना है तो इक्वल टू डेटेड इफ पहले किसको ओल्ड डेट कॉमा किसको करंट डेट कॉमा, फिर क्या देना है हमको डबल इनवर्टेड कॉमा में वाई एम, यानी कि ईयर के साथ भी क्या जानना है मंथ डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और 18 साल 11 मंथ कितने दिन इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहले किसको ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा, फिर अब क्या देना है डबल कॉमा एम डी डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और 18 साल 11 महीना और 29 निकल जाएगा। और डे पता करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया किसका, जैसे मुझे पता करना हो कौन सा डे है उसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल टू टेक्स्ट, पहले डेट को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में जो निकालना हो, जैसे डेट निकाल 4 टाइम डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और मंडे, हो जाएगा। नोट कर लीजिए सारा फॉर्म निकाल ले जाएंगे लोग ना।
तब पूछेंगे, अब हो जाएगा ना जी। फॉर्मल लिखवाना पड़ेगा, लिख लिया सभी लोग? लिखा लिखा हाँ तो जो नहीं लिखे बताओ, उसको लिखवा दें। लिखा तो जो नहीं लिखे वो बताओ, लिख दे रहे हैं हम तो, वही कह रहे हैं। लिखा तो पहले हमको लिखना है क्या, करंट डेट इक्वल टू टू डे। इसके नीचे लिखना है क्या, डेट एंड टाइम इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज और डे पता करने के लिए इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और फिर आगे क्या रहेगा, हो गया। और मंथ के लिए सेम वही रहेगा, बस लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 4 टाइम ये। हो गया, मंथ के बाद से फिर दे दे रहे हैं किसके लिए, ओल्ड डेट टू करेंट डेट। ओल्ड डेट से फिर कहां से, ओल्ड डेट से करेंट डेट। हमको क्या करना है इसमें, हम यहां दे देंगे सबसे पहले किसके लिए, ईयर के लिए इक्वल टू डेटेड ब्रैकेट ओपन पे लिखेंगे सेलेक्ट ओल्ड डेट कॉमा सेलेक्ट करेंट डेट कॉमा और डबल कॉमा में वाई डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। उसका फिर किसके लिए, मंथ के लिए इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले में सिर्फ यम रहेगा ना, और फिर उसके बाद से डे के लिए। इसमें क्या हो जाएगा, डी। कहाँ वाई डी होगा, देखो ये सिंपल के निकाल रहे हैं, पहले कितना दिन कितना साल कितना महीना के लिए, आ समझे ना। अब इस हमको ये निकालो कितने साल कितने कितने साल के हुए हैं, कितने दिन के या कितने मंथ के, उसके लिए सिंपली बस इसमें हम क्या कर देंगे, वाई एम और यहाँ कर लेंगे यम, हो जाएगा ना। या इसी में लिख लीजिएगा यहाँ पे ओ आर, या ये तो वाई रहेगा ही बस, नहीं काटो मत, वही लिख लो, यहाँ पे लिख लो ओ आर, आर क्या हो जाएगा ब्रेकेट में लिख लेना, यहाँ पे वाई एम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना ठीक इसके जगह पे। हाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एम डी, या क्या हो जाएगा एम डी, है ओके पहला वाला वही रहेगा, दोनों में वही रहेगा सेम। का अरे कहीं काम करो, वहां डेट कैलकुलेशन करना तो कैसे करोगे, कहीं भी काम करो,
कहीं कह दिया जाए थोड़ा सा डेट कैलकुलेशन करके बताओ तो इतने तारीख को कौन सा दिन था, या फिर ये काम करो वैसे काम करो, तो फिर कैसे कर पाओ? नहीं याद रहेगा, कहाँ याद रहेगा, करो माइंड में बैठा रहेगा ना। हाँ तुम लोग दिमाग गधों वाली है तुम लोग। तो हो गया तो अच्छा आज आप लोग ये करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे चूज फार्मूला के बारे में, चूज फंक्शन। ठीक है।